पता चल जाता है। चेक करते हैं हम ARY के कुछ ड्रामों के मशहूर डायलॉग्स हैं, ठीक है, हम वो दिखाएंगे ऑन स्क्रीन। अच्छा। और फिर हम ऑप्शंस भी देंगे आपको कि ये जो डायलॉग जिसके ऊपर हमने ब्लैंक रखा है, हमने वो आपको नहीं दिखाया, पूरा सीन दिखाया लेकिन उस डायलॉग को हमने ब्लैंक कर दिया, उसमें हम आपको ऑप्शन देंगे कि इसमें क्या बोला गया था। अब जाहिर है आप लोग एक्टर्स हो, आप खुद भी ग्रामेटिकली फिल इन कर सकते हो, लेकिन देखना ये है कि आप लोगों को आता है कि नहीं। अच्छा, उसको कंप्लीट करना है, इतनी बता ड्रामा कौन सा है, ऑडियो किसकी है? नहीं नहीं नहीं, बस उस जुमले को, डायलॉग को जो लगता है कि वो बात कर रहे होंगे वो बात। एग्जैक्टली, और डायलॉग्स वो हैं जो मशहूर भी हुए हैं। अच्छा, जो लोगों के सामने मशहूर भी हुए। ओके जी, दिखाइए कौन सा है पहला, कौन से ड्रामे का डायलॉग जी। स्क्रीन, क्या बेशर्मी की है मैंने? स्टॉप इट महवेश, तुम जानती हो तुमने क्या किया। तुम भी तो वही कर रहे थे अनुषा की। अनुषा इतना मुझे नीचा दिखा रहे थे। नहीं अनु, रिपीट होने का चांस नहीं है, ऑप्शन होना चाहिए कि दोबारा सुने। हाँ, दोबारा सुनो, मुझे भी समझ नहीं आया। कोई ऐसा क्लिक बनाए ना कि जिसमें एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए, सो दैट वी कैन कैरी ऑन। अब तो बन गया होगा, अब तो लिंगर ऑन। अच्छा, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, ठीक है, तीन ऑप्शन होंगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है। अनुषा की कमर में हाथ डाले घूम रहे थे, हाथों में हाथ डाले नाच रहे थे, कमर में हाथ डाले नाच रहे थे। हाथों में हाथ डाले, हाथों में हाथ डाले, हाथों में हाथ डाले। हाँ, अच्छा, नहीं जरूरी थोड़ी है आप दोनों एक दूसरे की वो करें, मतलब नहीं, मुझे इसलिए मैं आई एग्री विद दैट बिकॉज उनका कैरेक्टर बड़ा उस तरह सबमिसिव सा था इसमें, तो इतनी उनकी हिम्मत नहीं होगी। पहले तुम पढ़ो फिर बाद दिखाओ। कमर में हाथ, पहले पढ़ो और फिर दिखाओ। ओके, जो ऐसा कर लेते चले, ठीक है। अनुषा की कमर में हाथ डाले घूम रहे थे, हाथों में हाथ डाले नाच रहे थे, कमर में हाथ डाले नाच रहे थे। आइए सीन दोबारा दिखा सकते हैं, फर्स्ट वन दोबारा दिखाएं भाई सीन। क्या बेशर्मी की है मैंने? स्टॉप इट महवेश, तुम जानती हो तुमने क्या किया। तुम भी तो वही कर रहे थे अनुषा की। कमर में हाथ डाले, नहीं अनुषा की कमर में हाथ डाले घूम रहे। तुम लोग अनुषा क्यों डाल रहे हो? दिखाइए दिखाइए क्या कह रही है, तो भंड मार दिया मेरी टीम। क्या बेशर्मी की है मैंने? स्टॉप इट महवेश, तुम जानती हो तुमने क्या किया। तुम भी तो वही कर रहे थे अनुषा की कमर में हाथ डाल के नाच नहीं रहे थे। तुम लोगों ने अनुषा नहीं फेड किया, तभी तो पकड़े गए भाई। नहीं अनुषा नहीं, सही है सही है सही है सही है, वो सिर्फ तुमने ऑप्शन दिए ना, तो हम कमर पकड़ लीजिए। कमर पकड़ ली अल्फाजों में, वैसे नहीं पकड़ी थी, पहले से नहीं लिख के दू। ओके चले भाई, हम नहीं आपको पहले जुमले बताएंगे, पहले आप सीन देखें। अच्छा, मेरे पास तुम हो मशहूर ड्रामा सीरियल जिसको आपने टॉप लिस्ट में पहुंचाया, मतलब के जिसको मेरा ख्याल है कोई ही इंसान कोई ARY का ड्रामा ऐसा नहीं था जिसने मेरे पास तुमको बीट किया हो। ये स्क्रिप्ट बजीवा पहले मेरे पास आया तुम। हाँ, मैंने इसके 10 एपिसोड पढ़े थे डायरेक्शन के लिए। मैं डायरेक्शन नहीं मिल पाया, मैंने 10 एपिसोड पढ़े थे, तो आए 10 थे उस वक्त। हाँ। तो मुझे नदीम बेग और उन्होंने कहा आप शूट पे चले जाएं। मैं कहा मैं खलील रहमान कमर का सीरियल 10 एपिसोड मैं शूट पे नहीं जाऊंगा, आप लिख के दे पूरा मुझे, क्योंकि वो मूडी आदमी है, राइटर का अपना क्रिएटिव आदमी है, तो वो बहुत मजे से लिखते हैं, वो मजदूरी की तरह नहीं लिखते, मजदूरों की तरह। खैर वो लेट हो गया, फिर मैं मूवी की शूट पे चला गया, फिर नहीं कर पाया, लेकिन कमाल स्क्रिप्ट था वो, नो डाउट। ओके जी, नेक्स्ट सीन दिखाइए। ये अगर मुझे पता होता कि रिस की माँ ऐसी तू तड़ाक करने वाली गलीज जुबान इस्तेमाल करने वाली औरत है तो लात मार के उसको अपनी जिंदगी से निकाल देती। हरगिज़ नहीं खाने दूंगी तुझे ये। एक अंडे का बना रही थी। अरे चल चल झूठी, एक अंडे का बना रही थी। हाँ ओके जी, बहुत आसान सा सवाल है, ये कितने अंडों का ऑमलेट बना रही थी? चार अंडे? नहीं, सवाल सिंक वाला है या अंडे वीडियो वाला है? नहीं नहीं, ये वीडियो वाला है ना। नहीं अभी तुमने कहा था वो जो बोलेगी, कहा था जो पार्ट वो स्किप करेंगे वो हमने जज करने वहां तो क्या क्या पूछ रही हूं। अच्छा, वही तो पूछ रही हूं कि वो कितने अंडों का ऑमलेट बना रही है, जवाब क्या होगा? लाइन है अंडों वाली। हां, चार अंडों का ऑमलेट, तीन अंडों का ऑमलेट या छह अंडों का ऑमलेट? नहीं, लाइन बोली है उन्होंने, ये लाइन बोली है ना, मैं आपको डायलॉग्स दिखा के चेक कर रही हूं ना, मतलब लाइक सुना है आपने या चार अंडों का? मेरे जो खिलाड़ी है ना बड़े वीक, ये आंखें नहीं खुली। ये जो मॉर्निंग शोज है ना, इससे पहले कुछ टिका के कॉफी चलनी चाहिए ताकि आपके थोड़े से। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? छह अंडों का। और आप क्या कह रही हो? फोर। अच्छा, वो कह रहे हैं छह, जर्निश कह रही है चार। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रही है।
अगर मुझे पता होता कि रिस की माँ ऐसी तू तड़ाक करने वाली गलीज जबान इस्तेमाल करने वाली औरत है तो लात मार के उसको अपनी जिंदगी से निकाल देती। हरगिज नहीं खाने दूंगी मैं तुझे ये तीन अंडों का आमलेट। एक अंडे का बना, दोनों का ऑप्शन ही नहीं था। तीन का ऑप्शन था, था नहीं था? तीन चार एंड छह। अच्छा तीन भी था। तीन चार एंड छह, चार अंडों यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार, जागो, उठना पड़ेगा यहाँ से। अब और से सीन देखना, ये भी ये ड्रामा भी बड़ा जबरदस्त था, एआरवाई का ड्रामा जिसमें एक औरत को बड़ा देखो मसला ये है धर्निश, अगर यहाँ ट्रॉफी पड़ी हो या चेक पड़ा हो भाई 4 लाख का चेक मिलेगा एक्स्ट्रा तो हम जरा अपने वो भी जवाहर का चलो जाओ गिफ्ट दिखाओ क्या मिलेगा। हाँ दिखाओ गिफ्ट दिखाओ। नाउ यू आर टॉकिंग, देखा आपने कैसे एकदम से जागी हूँ मैं। आप दोनों के बीच में मुकाबला है, गिफ्ट है जो जीतेगा। ये अब आपने किया ना, मैंने कहती शुरू से करें आपको, ये लैंप हम ले जाएंगे, जो जो हारेगा जो जीतेगा दोनों लैंप हम ले जाएंगे। जी नहीं पास गिफ्ट नहीं है ना, तो सेट पे से हम डिसाइड कर लेंगे। एक चीज नहीं दे सकती। ओके जी, पहले मेहनत करता था फिर मैं मिलना तो कुछ नहीं, हार जाओ। नहीं नहीं गिफ्ट मिलेगा, बर्थडे बर्थडे में जो गिफ्ट मिलता है उसी तरह गिफ्ट मिलेगा। आइए दिखाते जी नेक्स्ट सीन। अम्मा मेरी शादी में क्या पहनूंगी? हाँ शादी में क्या करेंगी? अच्छा क्या पहनेंगी? मैं ऑप्शन दे रही हूँ, अम्मा शादी में क्या पहनेंगी? स्कर्ट ब्लाउज, अनारकली फ्रॉक या घेरदार गरारा? घेरदार गरारा, अनारकली। आप घेरदार गरारा फंसी का जुमले ना, फंसी इतने आराम से नहीं बोलेगा मुझे लगता है। हाँ। अनारकली। हाँ। गरारा क्या अनारकली? कुद्दूसी साहब की बेवा का ये सीन है और फंसी बारी खान ने इसको लिखा है, तो आप कह रहे हो अनारकली। घेरदार गरारा। और तुम कह रही हो घेरदार गरारा। पहला उस वाला ऑप्शन क्या था? डरो स्कर्ट ब्लाउज। स्कर्ट ब्लाउज। हाँ स्कर्ट ब्लाउज, फंसी का लिखा हुआ तो इसलिए मैं स्कर्ट ब्लाउज और घेरदार गरारा कह रही हूँ। ओके जी दिखाइए स्कर्ट ब्लाउज। अम्मा मेरी शादी में क्या पहनूंगी? स्कर्ट ब्लाउज पहनूंगी। खुदा के लिए अम्मा कितनी बेहतर, स्कर्ट ब्लाउज पहनूंगी। जी ओके दिखाइए जी नेक्स्ट सीन। बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं। ये मुझे पता है, यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। ये लाइन ही होगी उस 2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 करोड़ की। ओके आपको ऑप्शन दे रही हूँ, लाख करोड़ में मैं शोर रही हूँ। 50 मिलियन बोला है। ऑप्शन दे रही हूँ कि क्या बोला होगा इस 50 20 50 50 बोला या 40? 50 50 50 50। ये तो वही लाइन होगी, ये लॉक कर दिया जाए। लॉक करेंगे, लॉक। मेरे पास तो मैं सबने देखा तो इसलिए आपको याद है जी। आइए दिखाइए कितने मिलियन देने को तैयार थे वो। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। 2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। 50 मिलियन वही कह रहा था ना। 50। दोनों का जवाब दुरुस्त हुआ और ये वाला जुमला तो मेरा ख्याल से सबको ही पता होगा, ये इतना मशहूर डायलॉग था। आइए दिखाते जी एआरवाई के अगले ड्रामे की क्लिप, बल्कि हम फिल्म की क्लिप दिखाते हैं। देखिए मैं, आप सिर्फ ये बताओ कि दुर्दाना क्या लगती है आपकी? अब्बा जी आपको नहीं पता कि दुर्दाना मेरी कजन लगती है, तो उसको ये क्यों कहा था? हेल्प भी दुर्दाना। हेल्प भी दुर्दाना। ओके दुर्दाना को क्या कहा गया था? गेट आउट दुर्दाना, हेल्प मी दुर्दाना, हेल्प मी दुर्दाना, लवली दुर्दाना, हेल्प मी दुर्दाना। हाँ मैं वाली बोल देता। ओके दिखाइए जी जवानी फिर। आप सिर्फ ये बताओ कि दुर्दाना क्या लगती है? जवानी बढ़िया नहीं। अब्बा जी आपको नहीं पता कि दुर्दाना मेरी कजन लगती है, तो उसको ये क्यों कहा था कि हेल्प मी दुर्दाना? ओके जी एआरवाई की बनाई हुई मशहूर फिल्म मैं पंजाब नहीं जाऊंगी का ये मशहूर जुमला जो वायरल हुआ था, हेल्प मी दुर्दाना, आप दोनों का सही जवाब है। एक पॉइंट दोनों के पास हो गया है। दिखाइए जी अगला क्लिप। गिफ्ट का सुनते हम एक्टिव हो, एक्टिव हो, इतने मेरी नाक के नीचे नहीं हो तुम, मेरा घर मिला था ये गंदगी फैलाने के लिए तुम्हें निशा। ओके ये ड्रामा जलन जो टॉप बहुत अच्छा ड्रामा था एआरवाई का, मैंने खुद भी देखा है, और इस ये जो जुमला है ये क्या कह रही है अपने बहन को? छुपन छुपाई खेल रही हो, चोर सिपाही खेल रही हो, या पकड़क बकड़ाई खेल रही हो? छुपन छुपाई मेरी नाक के नीचे, छुपन छुपाई खेल रही हो,
चोर सिपाही खेल रही हो या पकड़म पकड़ाई खेल रही हो? छुपन छुपाई। चोर सिपाही। आप कह रहे हैं छुपन छुपाई। चोर सिपाही। आप कह रहे हैं चोर सिपाही। आइए जी ये अरीबा क्या कह रही है देखते। अपने बहनों से अफेयर चलाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी नाक के नीचे के चोर सिपाही का खेल खेल रही हो तुम। चोर सिपाही। एक पॉइंट यासिर नवाज ले गए चोर सिपाही। दो तीन ले जाऊं मैं तो? हाँ मतलब एक और पॉइंट ना। एक और पॉइंट ले गए आप। आपके चार पॉइंट्स हैं और जर्निश के कितने? जर्निश हमारा एक पॉइंट। ड्रॉ हो गया था। एक दो तो हमारे एक जैसे थे सही। हाँ, 50 साल उसको मिला के एक है। यही क्या बात है? एक तो मैं पहली ओके okay, एक एक सवाल तो आप दोनों ने ही गलत दिया था ना जवाब। ओके जी नेक्स्ट क्लिप। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने तशद्दुद की पॉलिसी ना अपने हद तक रखें। मैं उन लड़के में से नहीं जो एक चमाट खा समझी एक दूसरा का लागी करे। हाँ एक चमाट खा के चुपचाप एक मार खा के रोने बैठ जाऊंगी पहला ऑप्शन। अपना दूसरा गाल आगे कर दूंगी या बैके चली जाऊंगी क्या बोलोगे? चुपचाप बैठी रहूंगी। चुपचाप बैठी मार खा के रोने बैठ जाऊंगी ये जुमला तुम। और आप क्या कह रहे हैं? वैसे मेरा भी यही है रोने बैठ जाऊंगी लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी जवाब नहीं देता। हाँ लेकिन मेरे जो छठी कहती है ना यही है जो आपने बोला है लेकिन दूसरा या दूसरा गाल आगे कर दूंगी मैं ये जवाब। दूसरा गाल आगे कर दूंगी और तीसरा ऑप्शन है मैके चली जाऊंगी। मैके चली जाऊंगी। मैके चली जाऊंगी। आइए जी दिखाते हैं कि इसमें क्या जवाब दिया बहू ने सास ने जी देगी इसमें लेकिन मेरा ख्याल है लगता। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने तशद्दुद की पॉलिसी ना अपने हद तक रखें। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो एक चमाट खा के अपना दूसरा गाल आगे पेश कर। जब मैंने बोला ये लाइन शुरू में दूसरा गाल आगे दोनों का गलत। उनका इन अ वे ठीक है बिकॉज वो मेरे साथ एग्री करने से पहले उन्होंने ये कहा था। नहीं नहीं उन्होंने ये नहीं कहा था। नहीं कहा था मैंने। कहा था गाल दूसरा गाल आगे लाइन ऑप्शन देने से पहले कहा था मैंने। ओके अच्छा चलो चलो नहीं ये पॉइंट उनका हुआ। नहीं नहीं क्यों हुआ? अच्छा जबरदस्ती मैं एक्चुअली बहुत दरिया दिल ना। नहीं नहीं मैं इंसाफ पसंद हो ये तो सने से गिफ्ट देख लिया गिफ्ट है क्या ओके मुझे नहीं चाहिए ले जाओ मैंने हाँ मुझे नजर नहीं आ रहा बुलेट के पीछे। ओके नेक्स्ट क्लिप। लड़की भी बड़ी नेक दिखाई दे रहे हैं आई मुझसे कह रहे थी खाला जान सफेद गरारे में यूं लगे हैं जैसे क्या है सफेद गरारे में ऐसे लगे हैं जैसे हूर परी जैसे नाजुक कली या जैसे कोई फरिश्ता। हूर परी। हूर परी। हूर परी। दोनों का जवाब है हूर परी। आइए हिना दल पजीर क्या कह रही है? रुक जाए नाजुक परी। नाजुक परी। नाजुक परी क्या? मैं नाजुक परी या हूर परी? नहीं नाजुक कली है। नाजुक कली और हूर परी। और जर्निश कह रही है हूर परी। आइए देखते हैं कि क्या की भी बड़ी नेक दिखाई दे रहे हैं आई मुझसे कह रहे थी खाला जान सफेद गरारे में यूं लगे हैं जैसे कोई फरिश्ता हमारे यहाँ उठ के आ गया। दोनों ने गलत जवाब। फरिश्ता की तो लाइन नहीं दी तुमने। मैंने बोला है फरिश्ता नाजुक पर नाजुक कली तीन ऑप्शन दिए हैं। अच्छा फरिश्ता। हाँ। मैं कहती हूँ रॉन्ग। ओके आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ सबक आमेज खेल या हो मजाया शोज किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की खबरें हो या हो ड्रामे और फिल्मों के रिव्यूज अपने स्मार्टफोन से अभी डाउनलोड कीजिए ARY डिजिटल की ऐप और रखिए अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर। ARY डिजिटल पर आहे राज देखने और अपने पसंदीदा नए और पुराने ड्रामों से लुत्फंदोज होने के लिए अभी विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट वेबसाइट www.arydigital.tv। इन सब के अलावा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम ट्विटर हो या टिकटॉक ARY बिखेर रहा है हर रंग खुशियों के।